गुरो परतरं नास्ति कृपा गुरवे ब्रजरस रसिक महानुभाव दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा भजोगी अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को यह बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से केवल आनंद की ही खोज कर रहा है किंतु उस आनंद का लवलेश भी अभी तक प्राप्त नहीं कर सका आनंद की प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति पर ही निर्भर है ऐसा वेदादिकों ने बताया ईश्वर को जानने की जिज्ञासा को लेकर के जब हम शास्त्रों वेदों में गए तो हमें यह बताया गया कि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा अग्राह्य है हम लोग निराश हुए लेकिन पुनः वेदाधिकों ने यह भी बताया कि ईश्वर जिस पर कृपा कर देता है वह जीव ईश्वर को जान लेता है और प्राप्त कर लेता है ईश्वर कृपा का आधार बताया गया ईश्वरी शरणागति और ये भी बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है लेकिन मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है इसीलिए सर्वप्रथम उसको संसार से विरक्त करना होगा और एतदर्थ तदर्थ संसार के स्वरूप के गंभीर परिज्ञान की आवश्यकता प्रतीत हुई इसीलिए संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और आपको ये बताया गया कि हमको ये बार बार निश्चय करके बुद्धि में पक्का करना होगा कि ब्रह्मलोक तक जहाँ तक संसार है वहां तक न किसी पदार्थ में न किसी माइक जीव में सुख है और न दुख है मनकल्पित सुख ही हमको संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति से मिलता है जब ये हमारा दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि संसार में न सुख है न दुख है तो हमारा मन रिक्त हो जाएगा खाली हो जाएगा और तब हम ईश्वरी शरणागति के अधिकारी बनते हैं लेकिन ईश्वरी शरणागति के लिए एक श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता प्रतीत हुई इसीलिए महापुरुष तत्व का भी विशद विवेचन आप लोगों के समक्ष किया गया और ये बताया गया कि महापुरुष और ईश्वर ये केवल दो अलग अलग नाम सुनने में आते हैं वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं हमें किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाकर के और उसके शरणागत होकर के ही उसकी बताई हुई साधना करनी होगी उससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी और तब हमें हमारा परम चरम लक्ष्य प्राप्त होगा इस कार्य की दृष्टि से महापुरुष का स्थान भगवान से बड़ा माना जाता है पश्चात महापुरुष को कैसे पहचाना जाए इस विषय में भी अनेक तरकीबें आप लोगों को बताई गई तत्पश्चात विषय आया ईश्वर की शरणागति का कि ईश्वरीय शरणागति के कौन कौन से मार्ग हैं इस प्रकरण में आपको तीन मार्ग बताए गए वेदादिकों के द्वारा कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग कर्म के संबंध में कर्म विकर्म कर्मयोग एवं कर्म संन्यास का विस्तार से वर्णन किया गया और आपको बताया गया कि यदि कोई शास्त्रोक्त कर्म धर्म का विधिवत पालन करता है पॉइंट वन परसेंट भी कहीं त्रुटि नहीं करता तो उसको कर्मधर्म कहते हैं इसका परिणाम है स्वर्ग जो नश्वर है यदि कोई वेद विहित कर्म धर्म का भी पालन नहीं करता और ईश्वर भक्ति भी नहीं करता तो इसको विकर्म कहते हैं इसका फल है नरक अगर कोई मन से निरंतर श्री कृष्ण से प्रेम करता है और यथाशक्ति कर्म भी करता है तो इसको कर्म योग कहते हैं इसका फल है माया निवृत्ति आनंद प्राप्ति अगर कोई कर्म धर्म का स्वरूपतः परित्याग कर देता है और केवल मन से भगवान से निरंतर प्रेम ही करता है तो इसको कर्म संन्यास कहते हैं इसका फल भी माया निवृत्ति एवं परमानंद प्राप्ति ही है तत्पश्चात धर्म की बारीक मीमांसा भी की गई और आपको बताया गया कि हमारे यहाँ इतिहास में महापुरुषों द्वारा जो धर्म का उल्लंघन देखा जाता है उसका रहस्य यही है कि दो प्रकार का धर्म होता है आध्यात्मिक धर्म के अंतर्गत भी एक वर्णाश्रम धर्म और एक भागवत धर्म तो यदि कोई भागवत धर्म की अमायिक धर्म की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसके लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन अनिवार्य नहीं रह जाता लक्ष्मण जी भगवान से कहते हैं कि गुरु पितु मातु न जानऊ काहू मैं किसी को नहीं जानता किसी माता पिता आदि को नहीं मानता क्योंकि मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर यामी पश्चात गोपियों का प्रकरण भी बहुत विस्तार से आप लोगों को समझाया गया और बताया गया कि गोपियों को भगवान ने जो उपदेश दिया धर्म का पातिव्रत धर्म का उसके अंतर्गत ही भगवान ने दो शब्द ऐसे बोल दिए जिससे महापुरुषों द्वारा धर्म के उल्लंघन का रहस्य स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है गोपियों द्वारा धर्म के उल्लंघन का रहस्य उसी से स्पष्ट हो जाता है भगवान कहते हैं कि ऐसे पति का परित्याग स्त्री को नहीं करना चाहिए जो पति अपातकी हो पाप रहित हो तो संसार में पाप रहित भगवत प्राप्ति के पूर्व कोई हो ही नहीं सकता ये तो जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तब भगवान कहते हैं सर्व पापे भ्यो माँ गीता अध्याय का 66वां श्लोक उसके पहले तो पापी पाप करते हैं हम अरे इतने अधिक हम लोग पापी हैं कि गुरु और भगवान के सामने भी जब हम बैठे होते हैं तो वहां भी हम पाप की बात सोच जाते हैं गुरु सामने बैठे हैं दिव्य पर्सनैलिटी और फिर भी हम गंदी बातें सोच जाते हैं बीच बीच में मंदिर में खड़े हैं भगवान की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं एक वही जगह है जहां हम थोड़ी बहुत भावना बनाते हैं कि यहां भगवान है अरे भगवान तो सब जगह है व्यापक सर्वत्र समाना लेकिन हमारी थोड़ी बहुत भावना मंदिर में जाकर के बनती है कि यहां भगवान है बाकी तो जगह हम मानते नहीं अपने को अकेला मानते लेकिन वहां भी हम पाप की बात सोच जाते हैं हाथ जोड़ के तो खड़े हैं भगवान के आगे लेकिन एक लड़की खड़ी है बहुत सुंदर और वो आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रही है हम तिरछी निगाह से उसको देख रहे हैं बड़ी सुंदर है देखो इतना गंदा मन है हमारा तो जब हम हरी गुरु के सामने भी पाप कर जाते हैं तो फिर पीछे से क्या ना करते होंगे बाहर क्या ना करते होंगे हम तो अनंत मात्रा के पापी हैं हम और संचित कर्म के रूप में जो पापों का स्टॉक हमारे साथ है वो अलग है अरे अगर आपको हम पाप की परिभाषा बताएं, अपनी जेब से नहीं शास्त्रों के अनुसार तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितने ऐसे क्षण हैं या कितना ऐसा समय है जब हम पाप रहित तो होते हैं भगवान कहते हैं मन निमित्तम कृतम पापम मत धर्माय च कल्पते मा मना दृत्य धर्मोपि पापम प्रभावतः वेद व्यास का लिखा हुआ श्लोक है यानी भगवान कहते हैं कि जितनी देर तुम्हारा मन मुझ में है मुझसे प्यार कर रहा है अरे मतलब भगवान उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनकी लीला उनके धाम और उनके जन वास्तविक संत यह सब भगवान है तो जब जितनी देर तुम्हारा मन इस विशुद्ध एरिया में है बस उतनी देर तुम पाप रहित हो पाप नहीं कर रहे हो उतनी देर बाकी समय तुम पाप ही पाप कर रहे हो लेकिन जी हम तो भगवान का चिंतन तो नहीं कर रहे थे गुरु का चिंतन तो नहीं कर रहे थे लेकिन हम अपनी मां की सेवा कर रहे थे बाप की सेवा कर रहे थे क्या ये पाप है हाँ पाप है अगर भगवान को माइनस कर दिया खोपड़ी से तो फिर वो धर्म भी पाप के अंतर्गत आता है यही तो मतलब है श्लोक का जो मैंने बोला है भगवान के शब्द भी मन निमित्तम कृतम पापम मद धर्माय च कल्पते मां मना दृत्य धर्मोपी पापम स्यात मुझको छोड़ करके किया हुआ धर्म भी पाप है जो पाप कर सो पुण्य कहाय राधे राधे हरि तज कर पुण्य तो आप पाप बनी जा राधे राधे भक्ति शतक तो पाप के अलावा हम क्या करते अरे कितनी देर हमारा मन भगवान में रहता है बस उतनी देर हम पाप नहीं कर रहे हैं बाकी समय हम केवल पाप ही पाप कर रहे हैं तो पाप रहित कौन है संसार में भगवत प्राप्ति के पूर्व सब अनंत मात्रा के पापी तो अगर पात की पति न हो अपात की हो तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए बाकी का कर सकती है ये देखो तो छिपा है उसमें असली धर्म फिर दूसरी बात भगवान ने कही कि लोकेप सुभे ऐसी स्त्रियों को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए जो स्वर्ग चाहती हैं जिसको स्वर्ग नहीं चाहिए जिनका स्वर्ग लक्ष्य नहीं है वो कर सकती यानी ये जितने महापुरुष हैं ये वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके आध्यात्मिक धर्म की शरण में चले गए इसीलिए सबके सब कृतार्थ सब हो गए